महाराज जी, हमने बॉलीवुड की भी बात की, हमने पॉलिटिक्स की बात की, मैं आपसे जानना चाहूंगी खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो बड़ा कठिन पूछा आपने। वैसे सारे लोगों की निगाहें ये जो है उनके कान जो सुनना जो चाहेंगे। सब जो दाल चावल सब्जी रोटी में जो सामान ही मैं खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ, पर मुनगे की सब्जी, मुनगे की दाल और मुनगे के पराठे में ज़्यादा खाता हूँ। बन जाते हैं तो खूब खा लेता हूँ। मतलब मुनगा समझते हैं जी? नहीं। लो मैं गूगल ज़रूर करूँगी इसके बाद। मुनगा नहीं समझते? लंबा लंबा होता है, इतना बड़ा। हाँ, पतला सा। सहजन की फली। अब वो आप जानिए। हाँ, सहजन, उसका नाम अलग अलग क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जी हाँ। सहजन, हाँ, तो उसका ना वो उसमें दाने भी होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और वाइट कलर का उसका एक लिक्विड फॉर्म होता है, बनने के बाद उसको निकाल के उसका पराठा बनाए तो अच्छा लगता है। तो खाने में आपको सहजन यानी मुनगा पसंद है? हाँ, मुनगा। बचपन की कोई ऐसी याद शेयर करना चाहेंगे आप अपने दर्शकों से, क्योंकि आज तक लोग आपको कथा के माध्यम से जानते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आज पहली बार एबीपी एक्सक्लूसिव आपके लाइफ के बारे में बातें कर रहा है, तो बचपन की कोई ऐसी याद जो है आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ जो आपको किस प्रकार की याद चाहते हैं? अच्छी यादें, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी यादों के बारे में बात करें। हाँ हाँ, अच्छी ही बातें हैं हमारे साथ। और उन अच्छी बातों में बचपन में तो ये है कि मैं गाय चराया करता था गाँव में, खेतों में जाके, और गाय चराता चराता गाय चराने जाता था तो मैं गीता लेके जाया करता था और गीता को जोर जोर से पढ़ा करता। कोई नहीं होता था फिर भी मैं जोर जोर से पेड़ पर चढ़ के बोला करता था, भजन गाया करता था पेड़ पर चढ़कर, पेड़ पर चढ़ के गीता के श्लोक सुनाया करता था। और बस गाय हमारी चरा करती थी खेतों में, हम पेड़ पर चढ़ जाते थे और खूब गीता के श्लोक और भजन गाया करते थे चढ़ चढ़ के पेड़ पर। और बस वही कृपा है कि शायद गीता के श्लोक गौ माता ने सुना होगा और गौ माता ने कृपा की तो आज वृंदावन में आप सबकी सेवा के लिए गौ माता ने बिठाल दिया। तो ये गौ माता की सेवा का ही फल है आज जो प्राप्त है। और अभी रात के या शाम के कह सकते हैं 8:17 हो रहे हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है, सारे लोग आपसे, आपकी जो सेवा आपने की है ना, वो आपका आशीर्वाद यहाँ सामने है। एक और चीज़ जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम वृंदावन आते हैं, कहीं भी मंदिर में जाते हैं, अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है, लोग